संत श्री 108 सुखदेव जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। संत श्री 108 गुरुदेव महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ। परम पूज्य संत 108 वीर सिंह हितकारी महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ। संत गुरु रविदास के उस पवित्र मंदिर निर्माण के लिए हमें मन में एक भावना आई थी, चूँकि जब से हम झांसी की नगरी में हमने जन्म लिया तो हमें अगर कोई दोहा याद था तो एक ही दोहा याद था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमारे बड़े भाई अशोक भारती जी लगातार बुंदेलखंड में अपना हमेशा स्नेह देते रहे, और भाई राजेश जी जो एक एक पल इस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए, और जो सिकंदर लोधी ने 12 बीघा 6 बिस्वा 7 बिस्वा जो जमीन दी थी पूरी जमीन के लिए संघर्षशील थे। तो हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में हमारे एक मित्र हैं बुंदेलखंड की माटी से विराग गुप्ता के माध्यम से जाने का मौका मिला, और हम लोगों के चूँकि सब लोग जाने के उसमें मैं मूल में केवल आज हम लोगों ने वहाँ सुप्रीम कोर्ट से निकलने के बाद भी एक ही बात कही थी कि सरकार की नीयत का हमें पता चला। कोर्ट में स्वयं जस्टिस मिश्रा ने कहा कि किसी भी पोर्टा केविन में संत रविदास नहीं बैठ सकते, जिनके देश में 2500 करोड़ अनुयायी हैं, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में पूरा उनका दोहे से समाहित आशीर वचन है, उनको एक पोर्टा केविन में नहीं बिठा सकते। श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति। और आज 400 मीटर की उन्होंने कहा है, तो हम लोगों ने कहा अभी तो हम लोगों की ये निर्णय स्वागत योग्य है कि हमारे भाई बिना शर्त के छूट रहे हैं। ये भी ठीक है कि लैंड का आप डी कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, आप इस बात को मान रहे हैं कि सिकंदर साय लोधी ने 1509 के अंदर संत गुरु रविदास के चरणों में ये जमीन समर्पित की थी, तो इस पर कोई ना फॉरेस्ट लगता है ना डीडीए लगता है। राजेश भाई ने एक बहुत बड़ी याचिका डाली थी, इन्होंने कहा था कि जिन्होंने ये हिमाकत की है डीडीए के अधिकारी उनको जेल के सीक्षों के अंदर होना चाहिए, जिन्होंने मंदिर की पवित्र माटी में हमारे बीच में ऐसे ऐसे संत हैं। संत श्री 108 सुखदेव महाराज, हम उस दिन अशोक भारती जी के साथ गए, उन्होंने इतने स्नेह से लंगर खिलाया, एक माँ भी अपने बेटे को नहीं खिलाती। अभी भी जो उनकी भावना है वो भावना सबको लेके चलने की है। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के हैं, कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम संत रविदास के लिए अभी जो निर्णय हुआ है कोर्ट का, उस निर्णय को पूरा नहीं मानते जब तक हमें पूरी जमीन नहीं मिले और इसका प्रबंधन आप पर नहीं रहे। सरकार के दलाल उसमें प्रबंधन करें, ये मैं समझता हूं कि ये चूंकि कोर्ट ने निर्णय दिया है लेकिन मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। इस पर हमारे वकील ने भी घोर आपत्ति की थी कि पूरी जमीन मिलना चाहिए और जो प्रबंधन है वो समाज के द्वारा होना चाहिए। मैं पुनः आपको ये बताता हूँ कि जहाँ भी हमारी आवश्यकता हो, हम झांसी से सांसद थे अशोक भाई साहब जानते हैं, और चूंकि हम हो या राजेश भाई हो, हमने प्रियंका जी से भी बात की, आप लोग भी गए थे, पूरी की पूरी हमारा जो दल, हम कोई इसमें राजनीतिक लाभ नहीं चाहे थे, लेकिन संत गुरु रविदास का नाम आते ही पूरी दुनिया के अंदर एक ही बात आती है कि अगर गरीबों के राम कोई हैं, इस आम आदमियों के राम पूरे दुनिया के अंदर कोई है तो वो संत रविदास है, और इनका मंदिर किसी भव्यता से कम नहीं बनना चाहिए। और इसमें तो मैं आपको यही वचन देता हूं और पुनः अपनी भावना प्रेषित करता हूं कि हम लोगों ने आज अगर एक सीढ़ी पर पहुंचे हैं लेकिन हम लोग उससे
संतुष्ट नहीं है। हम सरकार की अगर नियत ठीक हो, क्योंकि हमें सरकार की नियत ठीक नहीं लग रही, अगर सरकार की नियत ठीक है तो वो जमीन जो राजस्व विभाग में चढ़ी है वो पूरी जमीन दे, भव्य जमीन दे और प्रबंधन समिति को दे। सबसे पहले तो मैं शिवमणि संत गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करता हूं। यहाँ पर मंच पर उपस्थित बहुत ही आदर के योग, श्रद्धा के योग संत श्री 108 सुखदेव वाघमारे महाराज जी, संत श्री 108 गुरुदेव महाराज जी, संत श्री 108 वीर सिंह हितकारी जी, भाई केसी रवि जी, यहाँ पर गुरुदीप जी, यहाँ पर उपस्थित भाई अशोक भारती जी, भाई राजवीर जी और वी कृष्णा जी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, नामों की औपचारिकता मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर जितने भी मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, मातृशक्ति है, नौजवान साथियों, हमारे समाज के ऊपर जिस तरीके से कुछ ऐसी ताकतों ने, जो मनुवादी ताकतें हैं, उन्होंने कुठाराघात किया था, हमारे सबसे बड़े आस्था के केंद्र को ध्वस्त किया था, जिससे सीधे तौर पे सिर्फ हमारे दिल पे नहीं, हमारी आत्मा के ऊपर प्रहार हुआ था, हमें चोट लगी थी, तकलीफ हुई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जो हमारा संघर्ष था, जो हमने वहाँ पर याचिका डाली थी, और ख़ास तौर पे मैं उस चीज़ के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने बड़े भाई प्रदीप जैन आदित्य जी का, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे झांसी से और केंद्र में मंत्री भी रहे। ख़ास तौर पे धन्यवाद इनका इस बात के लिए करना चाहूँगा, ये हमारे समाज के नहीं हैं, दलित समाज के नहीं हैं, लेकिन जो भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे समाज के लिए, हमारे गुरु के लिए अपने आप को समर्पित करे, तो एक बार उसके लिए जोरदार तालियां जरूर बजनी चाहिए। इन्होंने दिन देखी न रात देखा। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद आप समझते हैं कि पैसा किस तरीके से लगता है, उन्होंने उसकी भी परवाह नहीं की। लेकिन अगर समाज के लिए और हमारे गुरु के मान सम्मान के लिए अगर संघर्ष करने के लिए आए, तो हम इनका अपने तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, संत समाज से भी और यहाँ पर उपस्थित अपने साथियों से भी, आज के फैसले से आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं यही सुनना चाहता था, हम लोग भी संतुष्ट नहीं हैं। ये जो फैसला हुआ है इसमें फिर कंजूसी है, इसके अंदर मेरा सीधे तौर से आरोप है कि एक तरफ अयोध्या में आप 500 करोड़ रुपए का बजट लगाते हैं, अयोध्या के अंदर मंदिर बनाने के लिए वहां पर सालों साल जिद्दोजहद चलती है, कोर्ट के अंदर बहस होती है, मुकदमे लड़े जाते हैं, राजनीति की जाती है, उसके नाम पे वोट मांगा जाता है, और जो गरीबों का मंदिर है, शोषितों का मंदिर है, दलितों का मंदिर है, उसको पहले तो तोड़ दिया जाता है, हमारे रिएक्शन का इंतजार किया जाता है, और फिर उसके बाद में उसके ऊपर मरहम लगाने का काम करती है सरकार। और मरहम भी कैसे लगाती है कि नमक छिड़क छिड़क के हमारे को उसके ऊपर, हमारे जख्मों के ऊपर, हमारे बर्दाश्त को चेक करती है। मैं यहाँ पर आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे संत गुरु वाघमारे जी ने यहाँ पे कहा कि वो आदेश करेंगे, मैं आपसे इस चीज़ के लिए हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आपके हर आदेश का पालन करने के लिए पूरे देश भर के जो हमारे समाज के और गुरु महाराज के जो अनुयायी हैं, हम सब लोग मिलकर सरकार से मांग करते रहेंगे, और ये जंग जारी रहेगी, ये संघर्ष जारी रहेगा, जब तक पूरी 12 बीघा 7 बिस्वा जमीन जो 1509 में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को सिकंदर लोधी के वक्त में मिली थी, वही जमीन जब तक हमको वापस नहीं मिलती, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। तो हमने जो कहा, ये कहा
कि सरकार ने जिस तरीके से, गुरुजी मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पर हमारी प्रदीप जैन भाई और हम लोग, अशोक भारती जी भी वहाँ पर थे और हमारे कुछ और साथी वहाँ पे कोर्ट में थे, वहाँ पर ऋषिपाल जी भी कोर्ट में हमारे साथ में उपस्थित थे वहाँ पर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर सरकार का जो वकील था, कोर्ट ने तो कहा, जस्टिस मिश्रा ने कहा कि आप वहां पर पोर्टा केबन जो लकड़ी का कमरा 20x20 का है वहां पे गुरु रविदास जी को रखने की बात कर रहे हो, उसको पक्का क्यों नहीं बना देते। तो उसने बोला जो सरकार का वकील है, मतलब सरकार की भाषा, सरकार की जो बयानबाजी थी वो क्या थी, वो वकील के माध्यम से थी। उसने कहा कि जी वो फॉरेस्ट का एरिया है, वहां पर पक्का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तो जस्टिस ने कहा तो फिर जमीन क्यों दे रहे हो अगर फॉरेस्ट की बात है। तो हमारे वकील ने उसके ऊपर कहा कि सर ये फॉरेस्ट, ये डीडीए, ये सरकार उस वक्त में पैदा भी नहीं हुई थी जब ये जगह गुरु रविदास जी को मिली थी। तो उसके बाद गुरु रविदास जी के इस बात को सुनकर जस्टिस ने कहा कि नहीं, हम इस जगह को बढ़ाते हैं। और आप लोग हमारे वकील ने कहा कि हम संतुष्ट नहीं है इस बात से जो आप फैसला सुना रहे हैं, हम इसमें रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। उसने बोला कि ये जो अटॉर्नी जनरल यहाँ पे खड़े हैं, मतलब जो सरकार का वकील खड़ा है, आप इससे बात कीजिए, ये जगह दे सकते हैं, ये कोर्ट के अंदर को आप थे ऋषिपाल जी, आपके सामने वाली बात कोर्ट के जस्टिस ने कही कि आप इनसे बात कीजिए। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि उसने अपना छोटा दिल, अपना खोट सरकार ने कोर्ट के अंदर पेश किया, हम उससे संतुष्ट नहीं है, हम अपनी आवाज उठाएंगे। जिस तरीके से आपने 10 तारीख को वहां पर कहा है कि हम सब लोग पूजा के लिए जाएंगे, हम सब लोग आपके नेतृत्व के अंदर वहां पे उपस्थित रहेंगे। और एक और बात जो सरकार ने कहा है, सरकार ने कहा है कि उसकी जो समिति बनेगी उसका चयन भी, उसके मेंबर कौन होंगे वो सरकार करेगी, लेकिन हमें ये मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ लोगों ने, जो गद्दार थे समाज के, उन्होंने अपने वकील के माध्यम से वहां पे साइन करवाए हैं। और वो लोग सीधे तौर पे ही आरोप लगाना चाहता हूं, जो आरएसएस के लोग थे उन लोगों के साइन उसके ऊपर हुए थे, जिस आरएसएस की वजह से ये मंदिर टूटा, जिस भारतीय जनता पार्टी की वजह से ये मंदिर टूटा। तो मैं यहाँ पर कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बात कहनी इसलिए आवश्यक है क्योंकि समाज को मालूम होना चाहिए कौन गद्दार है समाज का और कौन समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है। गुरु जी ने भी अभी यही वाली बात कही कि जिन लोगों ने साइन करा उनको भी चेक करने की आवश्यकता है, उनको भी आवश्यकता है चेक करने की कि क्यों उन्होंने साइन किया। कि जब पूरा समाज ये कह रहा है कि पूरी जमीन हमको मिले और दूसरी तरफ वो चुपचाप कमरे के अंदर साइन कर कर आ जाते हैं, क्या कि हमें समझौता मंजूर है, आप 20x20 के खोके के अंदर गुरु रविदास जी को रख दो। मैं, आपने हमें यहाँ पर बुलाया, बोलने का मौका दिया, आपका आशीर्वाद मिला, उसके लिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।